आज के पाठ का विषय है ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप खड़ी बोली और ब्रजभाषा के द्वंद्व को जान सकेंगे। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में लिखी गई कविता पर ब्रजभाषा के प्रभाव को समझ सकेंगे। खड़ी बोली की स्वीकृति में आचार्य द्विवेदी के योगदान से परिचित हो सकेंगे तथा गद्य और पद्य के लिए एक ही भाषा खड़ी बोली के महत्व को समझ सकेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में आधुनिक साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उनके आविर्भाव के पहले हिंदी साहित्य मुख्य रूप से पद्यात्मक ही था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की उपलब्धियों में निर्गुण सगुण काव्य के स्वरूप और महत्व पर व्यापक विमर्श हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा उसे लोक जागरण का काव्य कहते हैं और निर्गुण सगुण के भीतरी समय का श्रमपूर्वक अनुसंधान भी करते हैं। उनके मत में आधुनिक हिंदी साहित्य नव जागरण का साहित्य है, जिसका दूसरा चरण भारतेंदु युग और तीसरा चरण द्विवेदी युग है। भारतेंदु के अवसान और द्विवेदी जी के अभ्युदय के बीच का समय ब्रजभाषा और खड़ी बोली के द्वंद्व का समय है। भारतेंदु ने नाटक, निबंध, समालोचना आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया था। उनके रचनात्मक प्रयासों को युगांतकारी माना गया है। वस्तु स्थिति यह है कि ये कवि के रूप में ब्रजभाषा के ही साथ रहे। भारतेंदु और उनके अधिकतर सहयोगियों ने गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रजभाषा में लिखा। राजभक्ति और देशभक्ति के बीच कसमकस के इस संक्रमण समय में भारतेंदु नवयुग की चेतना से अनभिज्ञ नहीं थे। विवेचन विश्लेषण की भाषा खड़ी बोली, भावोच्छ्वास की भाषा ब्रजभाषा का विचार उन्हें भी खटकता था। यही कारण है कि जब खड़ी बोली के पक्ष में माहौल बनने लगा तब भारतेंदु ने भी पद्य रचना का प्रयास किया। सितंबर 1881 ईस्वी को उन्होंने भारत मित्र के संपादक को खड़ी बोली के कुछ पद्य प्रकाशनार्थ भिजवाए। रचनाओं के साथ एक पत्र भी था। प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता लिख भेजी है, देखिए क्या अंतर है। तीन भिन्न छंदों में यह अनुभव करने के लिए कि किस छंद में इस भाषा का काव्य अच्छा होगा। कविता लिखी है, मेरा चित्त इनसे संतुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इनके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। दूना परिश्रम होने के बावजूद भारतेंदु खड़ी बोली में मनपसंद कविताएं नहीं लिख सके। उन्होंने स्वीकार किया, मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाएं, मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। भारतेंदु की स्वीकृति ने ब्रजभाषा के समर्थकों का मनोबल ऊंचा कर दिया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जैसे उनके समर्थक और अनुयायी जोर शोर से प्रचारित करने लगे कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए खड़ी बोली में कविता बनाना मुश्किल है तब औरों का क्या कहें। आगे खड़ी बोली का पद ग्रंथ प्रकाशित करके अयोध्या प्रसाद खत्री ने ग्रियर्सन को अवलोकनार्थ भिजवाया तो उन्होंने भी खड़ी बोली में पद्य की संभावना से साफ इनकार कर दिया। आई एम स्ट्रांगली ऑफ ओपिनियन दैट ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ राइटिंग पोएट्री इन खड़ी बोली मस्ट बी अनसक्सेसफुल। उन्होंने भी याद दिलाया कि वर्षों पहले बाबू हरिश्चंद्र ने इस विवाद का अंत कर दिया था। खड़ी बोली में पद्य लेखन का प्रयास एक निष्फल प्रयास है, इसके पीछे श्रम और धन के व्यय को ग्रियर्सन ने अपव्यय कहा। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ग्रियर्सन के साथ पंडित राधाचरण गोस्वामी भी पूरी शक्ति से खड़ी बोली के खिलाफ बोल लिख रहे थे। एक तरफ खत्री जी थे जिनका साथ द्विवेदी युग के एक मूर्धन्य कवि श्रीधर पाठक दे रहे थे, दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक सुकवि समालोचक खड़ी बोली पद्य के खिलाफ ब्रजभाषा में काव्य रचना की प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे थे। खत्री जी के प्रयास से खड़ी बोली का पद्य भाग एक जैसे ही प्रकाशित हुआ उसका विरोध और बढ़ गया। 11 नवंबर 1887 को हिंदुस्तान के संपादक के नाम अपने पत्र में पंडित राधाचरण गोस्वामी ने लिखा था, बस यह खड़ी बोली की कविता भी पिसाची नहीं तो डाकनी अवश्य कवि समाज में मानी जाएगी। गोस्वामी जी ने इसके कई कारण बताए। पहला कारण यह कि ब्रजभाषा के से कवित्व सवैयों का निर्माण खड़ी बोली में नहीं हो सकता। खड़ी बोली के असमर्थ पद्यकारों का रुझान उर्दू छंदों की ओर है, वे अमूमन फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें खड़ी बोली की कविता हृदयग्राही नहीं बन पाती। गोस्वामी जी ने खड़ी बोली में पद्य रचना के विरोध का
दूसरा कारण यह बताया कि चंद के समय से बाबू हरिश्चंद्र तक जो कविता हुई है वह सब ब्रज भाषा में हुई और सब पंडितों ने संस्कृत के अनंतर भाषा शब्द से इसी का व्यवहार किया। उन्होंने तीसरा कारण ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली को संस्कृति समृद्ध माना जो तब जीवंत थी। ब्रज भाषा के रहते खड़ी बोली में पद्य रचना की क्या आवश्यकता। जो हिंदी में गद्य और पद्य की एक ही भाषा पर जोर दे रहे थे उनके सामने गोस्वामी जी ने संस्कृत साहित्य का दृष्टांत रखा। उन्होंने लिखा कि संस्कृत ग्रंथों के प्रणयन काल में भी गद्य और पद्य की एक भाषा नहीं थी। संस्कृत, प्राकृत, पैसाची कई भाषाओं के प्रयोग से जब संस्कृत के आचार्यों को कोई आपत्ति नहीं है तब ब्रजभाषा ने ही क्या बिगाड़ा है। गोस्वामी जी की दृष्टि में ब्रजभाषा के समर्थन का यह चौथा कारण है। गोस्वामी जी ने यह तर्क भी दिया कि वही खड़ी बोली में कविता लिखने वाले आर्य समाजी और मिशनरी लोगों का अलंकार शास्त्र संबंधी घोर अज्ञान है। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में कविता लिखना उल्टे छुरे से काव्य की हजामत करने जैसा है। कहना न होगा कि खड़ी बोली में पद्य रचना के प्रारंभ में उसके विरोधी अधिक समर्थ थे। पंडित राधाचरण गोस्वामी तो भारतेंदु युग के सबसे बड़े विद्रोही लेखक समझे जाते थे। उनके प्रहसनों और निबंधों की डॉक्टर राम विलास शर्मा ने जमकर तारीफ की है। उनके जैसे प्रगतिशील और क्रांतिदर्शी लेखक के खड़ी बोली पद्य के मार्ग में रोड़े अटकाने से खड़ी बोली पद्य के समर्थक पेशोपेश में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद श्रीधर पाठक सामने आए। उन्होंने आक्रमण के विरुद्ध बचाव नहीं प्रत्याक्रमण की शैली अपनाई। उन्होंने गोस्वामी जी की रचना क्षमता पर ही प्रहार करना शुरू कर दिया और पूछा, कभी खड़ी बोली में कविता लिखने का श्रम किया है? जोश में आकर पाठक जी ने ब्रजभाषा काव्य के प्रेमियों को आश्वस्त किया कि आवश्यकता समझने पर खड़ी बोली में प्रत्येक छंद की कविताएं लिखी जाएंगी। खड़ी बोली में पद्य रचना की संभावना का प्रबल आधार श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली का क्षेत्र विस्तार माना। ब्रजभाषा का क्षेत्र उसकी तुलना में कम था। श्रीधर पाठक का तर्क था कि खड़ी बोली के पद्य में संस्कृत शब्दों का बर्ताव अब अच्छी तरह होता है जिससे इसका रूप दिन दूना दीप्त होता जाता है। उधर ब्रजभाषा का बोलचाल में व्यवहार घटता जा रहा है। पद्य की भाषा को लेकर विवाद बढ़ता गया। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने हिंदुस्तान संपादक को आगे भी पत्र लिखे, खड़ी बोली की कविता सब देशवासी समझेंगे भ्रम है। उन्होंने खत्री जी का उल्लेख किया। हमारे दूसरे मित्र अयोध्या प्रसाद खत्री जी तो ब्रजभाषा कविता को हिंदी से दूध की मक्खी की तरह निकालना चाहते हैं, लेकिन असल बात कुछ और भी थी। गोस्वामी जी को भय था कि खड़ी बोली में जो कविताएं लिखी जाएंगी उनसे उर्दू का प्रचार बढ़ जाएगा। उन्होंने लिखा, हम अनुमान करते हैं कि यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की जाए तो फिर खड़ी बोली के स्थान पर थोड़े दिनों में खाली उर्दू का प्रचार हो जाएगा। इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों में फारसी शब्द घुसे पड़े हैं, उधर पद्य में भी फारसी भरी गई तो सहज ही झगड़ा निपटा। पंडित राधाचरण गोस्वामी जी भारतेंदु युग के एक बड़े लेखक थे। उनकी अपनी एक गद्य शैली थी। उन्हें अरबी फारसी शब्दों से परहेज न था, तथापि उन्होंने खड़ी बोली का विरोध किया। इसके पीछे एक बड़ी चिंता थी। उनके समकालीन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा दिया था, यद्यपि वे भी कोई शुद्धतावादी लेखक न थे। खड़ी बोली पद्य का पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा था क्योंकि ब्रजभाषा के पक्ष में उस युग के महारथी मैदान में उतर चुके थे। 20 नवंबर 1887 के गोस्वामी जी के पत्र के उत्तर में श्रीधर पाठक ने 3 फरवरी 1888 को हिंदुस्तान में स्वीकार किया कि खड़ी बोली की कविता अभी बाल्यावस्था में है, अभी इसका आरंभ ही हुआ है। एक साथ ही कोई कार्य उत्कृष्टता की परमावधि को नहीं पहुंच सकता। अपना तर्क प्रभावशाली बनाने हेतु श्रीधर पाठक ने संस्कृत काव्य का दृष्टांत सामने रखा। वाल्मीकि के काव्य में जो कि संस्कृत का आदि काव्य समझा जाता है उतने मनोहारित्व आदि गुण कहाँ हैं जितने उसके पीछे वाले कालिदास आदि के लेखन में हैं। उन्होंने दार्शनिक के अंदाज में आगे लिखा, इस संसार में एक वस्तु एक ही बार उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ती है, फिर या तो स्थिर हो जाती है या गिर जाती है। ब्रजभाषा की कविता कई बातों में उन्नति की पराकाष्ठा से भी परे पहुंच चुकी है और यद्यपि अनेक अन्य बातों में उसे उन्नति की समाई है पर अवसर नहीं। पाठक जी ने फैसला सुनाया
ब्रजभाषा की कविता को अब यदि अवसान नहीं तो विश्राम लेने का समय अवश्य आ पहुंचा है। पर विरोधी तो मानकर चल रहे थे कि खड़ी बोली में पद्य रचना असंभव है। खड़ी बोली कानों में खटकने वाली भाषा है, उसके काव्य का इतिहास उतना शानदार नहीं है जितना ब्रजभाषा काव्य का। आए दिन विरोधी स्वर सुनाई देते, यथा बोलचाल की भाषा में है कविता करना खेल नहीं, अविकृत शब्दों का छंदों से मिलता मेल नहीं, भारतेंदु जी तक ने इसको इसलिए था छोड़ दिया, हार मानकर हमने भी है इससे मुंह मोड़ लिया। हम इन लोगन हित सारद सो कहत विनय करी, काहू विधि इनके हिये की दुर्मति दीजे हरी, जासो ये सांचे आनंद प्रद सो सुख पावें, और हठी करी नित औरन को नहीं बहकावें। खड़ी बोली पद्य रचना के विरोध में बातें खड़ी बोली में भी कही जा रही थी। खड़ी बोली में पद्य रचना के समर्थक भविष्य देख रहे थे, समय की नजाकत भारतेंदु और उनके सहयोगी भी समझ रहे थे, पर सामंती शक्तियाँ अक्सर नवोन्मेष के समक्ष अटूट रहने का प्रहसन करती हैं और सही मौका पाकर समझौता भी कर लेती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र समेत उनके सहयोगियों की खड़ी बोली में पद्य प्रस्तुति को इस भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन आदि के खड़ी बोली में किए गए पद्य प्रयोगों को हारे को हरिनाम की तरह ही समझना चाहिए। खड़ी बोली पद्य रचना की पृष्ठभूमि बन चुकी थी, किंतु हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक उसके विकास की दिशा स्पष्ट नहीं थी। आर्य समाज के पीछे नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस इलाहाबाद आदि के सक्रिय हो जाने से हिंदी साहित्य के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशील हुई थी, किंतु भाषा प्रयोग में व्यवस्था का अभाव था। यह काम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक के रूप में गहरी क्षमता से किया। द्विवेदी जी के संपादन में सरस्वती का पहला अंक जनवरी 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनका प्रसाद पाकर मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि बने। हरियोध के प्रिय प्रवास से लेकर जयशंकर प्रसाद की कामायनी तक की भाषा खड़ी बोली हुई। निराला ने तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी उत्कृष्ट प्रबंध कविताओं की रचना की। खड़ी बोली में पद्य रचना के प्रचारक उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करके अतीत का हिस्सा बन गए, पर जैसा कि कामायनी में कहा गया है, वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों के संबंध सूत्र वे बुनते हैं। द्विवेदी जी के नेतृत्व में जब खड़ी बोली में पद्य रचना को एक दिशा मिली, तब ब्रजभाषा के पक्षपातियों का दल कमजोर तो पड़ गया, पर द्विवेदी युग और छायावाद युग के अनेक कवि ब्रजभाषा तथा अवधि आदि में कविताएं लिखते रहे। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के प्रयत्नों से ब्रजभाषा की कोमल कांत पदावली द्विवेदी युग में भी स्वप्राण और वेगवती बनी रही। इन्हें ब्रजभाषा की काव्य मंजूषा में प्रमुख रूप से रखा गया है। इनके अतिरिक्त नाथुराम शंकर शर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय मकरंद, हरिऔध, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयशंकर प्रसाद, शिवनंदन सहाय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जैसे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि ब्रजभाषा में भी कविता रचना करते रहे। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। नई कविता के कवि और प्रवक्ता डॉ. जगदीश गुप्त तक ने ब्रजभाषा में छंद सती लिखी, लेकिन काल प्रवाह में ब्रजभाषा की कविता को खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए जगह देनी पड़ी। वह कालांतर में हाशिए पर चली गई और मुख्य धारा में खड़ी बोली का पद्य प्रतिष्ठित हुआ, तो इसका श्रेय द्विवेदी युग के प्रमुख पद्यकारों को ही दिया जाता है। लेकिन शुरुआत बाबू महेश नारायण पटना निवासी कृत स्वप्न कविता से हुई, जो बिहार बंधु के 13 अक्टूबर 1881 अंक में छपी थी। 32 खंडों की एक लंबी कविता है स्वप्न। यह मुक्त छंद की भी पहली रचना है। हरिऔध का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और महेश नारायण का स्वप्न खड़ी बोली की पहली लंबी कविता। स्वप्न की आरंभिक कुछ पंक्तियाँ ध्यातव्य हैं। थी अंधेरी रात और सुनसान था, और फैला दूर तक मैदान था, जंगल भी वहाँ था, जानवर का गुमा था, बादल था गरजता, बिजली थी चमकती, यों बिजली की चमक से रोशनी होती भयंकर सी। स्वप्न के 8वें खंड में ये पंक्तियाँ आती हैं। एक कुंज बहुत गुंज पेड़ों से घिरा था, झरने के बगल में बिजली की चमक भी न पहुंचती थी वहाँ तक, ऐसा वह घिरा था, जस दीप हो जल में पानी की टपक रहा भला पावे कहाँ तक। श्रीधर पाठक की कविता जगत सच्चाई सार से लेकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी के पथिक तक खड़ी बोली पद्य का विकास वस्तुतः
छंदोबद्ध कविताओं का दृष्टांत ही प्रस्तुत करता है, किंतु इसे प्रयोग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। सहज भाषा में ऊंचे भाव समझाने की कोशिश में निराला ने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मुक्त छंद की कविताएं लिखीं और उन्हें सहज प्रकाशन वह मन का और निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र कहा। इस बीच भारत भारती जैसी उद्बोधनात्मक काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि खड़ी बोली कविता समय की मांग थी। हरि स्मरण और विलास कला कुतूहल के चिंतन वृत्त से बाहर निकलने की प्रक्रिया में खड़ी बोली पद्य ने प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम और सामाजिक आशय की अभिव्यक्ति में अविलंब निपुणता प्राप्त कर ली। इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। उन्होंने हिंदी की जातीय कविता के परंपरागत स्वरूप से गहरी आत्मीयता व्यक्त की, किंतु अपने देशकाल के विचार से नए प्रयोगों के पक्ष में ही वातावरण बनाया। द्विवेदी जी की भूमिका मुख्य रूप से आचार्य या काव्यानुशासक की भूमिका समझी जाती है। इस रूप में उनका व्यक्तित्व युगांतकारी सिद्ध हुआ, किंतु काव्य भाषा के संघर्ष में एक कवि के रूप में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक बाद में बने, वे पहले से कविताएं लिख रहे थे। प्रसंगवश उनकी हे कविता की कुछ पंक्तियां ध्यातव्य हैं। सुरम्यम रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक नंदिनी विधायिनी महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, कहीं कहीं छंद कहीं सुचित्रता कहीं अनुप्रास विशेष में तुझे सुजान ढूंढ रहे जहाँ तहाँ परंतु तू काव्य कले वहाँ कहाँ। अभी मिलेगा ब्रजमंडलांत का अयुक्त भाषामय वस्त्र एक ही, शरीर संगी करके सदा विराग होगा तुझको अवश्य ही। द्विवेदी जी भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवियों में कालिदास, भवभूति, रविंद्रनाथ आदि का इसी कविता में स्मरण करते हैं। संभवतः कोई भी जाति स्वातंत्र समर के लिए कमर कसने की प्रक्रिया में पुनरुत्थान की भाषा का ही सहारा लेती है। द्विवेदी युग ने अपने प्राचीन आर्य गौरव का स्मरण करते हुए यही किया। उन्हें जो चिंता निमग्न निशिवास वर्तमान मिला था, वह उन्हें सब प्रकार से पतित अवनत होने का एहसास करा रहा था। जातीय भविष्य की उज्ज्वलता वर्तमान की बलिपंथी की भावना से ही साकार हो सकती है। ब्रजभाषा की 250-300 वर्षों की कविता में सभी रसों का समावेश हुआ है, किंतु देश राग की चुनौती ने खड़ी बोली पद्य के कंधे पर आधुनिक साहित्य इतिहास को आगे बढ़ाने का दायित्व डाल दिया। इसका गहरा संबंध दिल्ली सल्तनत के पतन और बिखराव से भी है। ब्रजभाषा का अवसान और खड़ी बोली का पद्य भाषा के रूप में उत्कर्ष इतिहास चक्र के अनुरूप ही है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु युग तक काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली सर्वमान्य नहीं थी। आचार्य द्विवेदी ने गद्य और पद्य के लिए खड़ी बोली की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रजभाषा काव्य की परंपरा समृद्ध और विस्तृत है। खड़ी बोली में पद्य रचना का प्रबल आधार श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली का क्षेत्र विस्तार माना।